गाइस गर्मी आ गई है और अपने साथ इसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ गई हैं, जैसे कि डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, टैनिंग, ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आ गई हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था कि पहले मेरा रंग सांवला था, अभी थोड़ा साफ हो गया है। तो बहुत सारे कमेंट आने लगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आप गोरे हो गए। गाइस, मेरी बात को आप मिसअंडरस्टूड मत करो। मैंने कभी नहीं बोला है कि मैं गोरी हो गई हूँ, गोरा रंग अच्छा होता है या आप गोरे हो जाओ। मैंने ये बोला कि मेरा रंग थोड़ा सांवला था, अभी थोड़ा साफ हो गया है। साफ हो गया इन द सेंस चेहरे के ऊपर जो टैनिंग थी, जो दाग धब्बे थे, वो फेड अवे हो गए हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो मम्मी बोलती है कि मेरा रंग बहुत साफ था, लेकिन क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा धूल धूप में खेला करते थे, मस्ती किया करते थे, तो धीरे धीरे चेहरे पे टैनिंग और धूल मिट्टी जमती गई। तो स्किन केयर उतना हमें करती ही नहीं थी। तो जो टिप्स मैं फॉलो करती आई हूँ, वो मैं हमेशा आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर करती हूँ। और आज भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव किया है डे बाई डे। मैंने ऐसा क्या DIY या क्या लगाया अपने चेहरे पे जो थोड़ा सा निखार आ गया। गोरेपन को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, और आप जो भी हो, जैसे भी स्किन टोन में हो, अच्छा है, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। और स्किन हेल्दी तभी होगी जब आप स्किन केयर करोगे और हेल्दी खाना खाओगे। तो खाने खाने की बातें मैं किसी और वीडियो में करूंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा वाला DIY आपको करना चाहिए और विटामिन सी आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए, ताकि विटामिन सी सबसे मेन सोर्स होता है आपकी स्किन लाइट, वाइट, ब्राइट और एकदम टेक्सचर अच्छा होने का। तो उसका एप्लीकेशन भी मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगी। सबसे पहले DIY की बात कर लेते हैं। तो जब से मैंने अपना स्किन केयर फॉलो करना स्टार्ट किया, मैंने ये बात का ध्यान रखा कि मैं दिन में 2 बार अपना फेस वॉश करूं, सुबह के टाइम, दिन के टाइम सनस्क्रीन जरूर लगाऊं। तीसरा स्टेप मैंने ये किया कि मैं हमेशा कोई ना कोई DIY अपने चेहरे पे लगाती रहती थी। तो मैंने तो बहुत सारे DIYs अपने फेस पे लगाए हैं, जो असर किया तो मैंने आप लोगों के साथ कई वीडियोस में शेयर किया है। लेकिन मैं अभी आपको सिलेक्टिव DIY बता देती हूँ, जो हर स्किन टाइप को सूट करेगा, हर स्किन प्रॉब्लम को दूर हटाएगा और बहुत आसान है, हर कोई इजिली घर में कर सकता है। DIY सीरम बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप टमाटर ले लीजिए, उसका जूस निकालिए, संतरा लीजिए, उसका जूस निकालिए, हनी लेंगे। तीनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में होंगी। अब इसको अपने फेस पे लगाइए, कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लें। That's it. दिन में 1 से 2 बार डेली अगर आप इसको ट्राई करते हो तो 3 हफ्ते से पहले आपके स्किन टेक्सचर में फर्क देखने को आपको मिलेगा। डेफिनेटली आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरा फेवरेट रेमेडी रही है। मैं जानती हूँ ये टाइम कंज्यूमिंग है, आप हॉस्टल में रहते हो तो नहीं कर सकते, आपके अपने पर्सनल जो भी रीजन रहे हो मेरे इस DIY को ना करने का, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन सी मैंने आपको लगाने के लिए क्यों बताया, क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन के डिस्कलरेशन को दूर करता है। अगर आप DIY नहीं कर सकते हो तो मार्केट में भी रेडीमेड सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी सीरम मिलते हैं, मतलब 4,000, 5,000, 6,000 तक के आपको मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बजट के बाहर होते हैं। मैंने तो आज तक इतना महंगा सीरम कभी लगाया नहीं है। अब मैं आपको बजट वाला बता देती हूँ जो कि काफी अफोर्डेबल है, एंड इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इसको यूज किया, उनको अच्छा लगा। ये अमेज़न पे भी ये मिलता है, तो अमेज़न रिव्यूज भी आप चेक कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ खादी ग्लोबल के विटामिन सी सीरम। आपको घर पे बनाने की जरूरत नहीं है, जो चीज मैंने आपको बताई है उससे भी अच्छे इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। ये आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। सिर्फ 2 हफ्ते आपको इसको लगाना है और आपके स्किन में ग्लो आता है, डिस्कलरेशन दूर होता है, पिगमेंटेशन दूर हो जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला सीरम अपने फेस पे लगाते हो, फेस वॉश करो और ये सीरम लगा लो, आपको विटामिन सी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथियॉन भी मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लूटाथियॉन आपके स्किन लाइटनिंग का एक बहुत ही इफेक्टिव एजेंट होता है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट है। सिलिकॉन नहीं है, पैराबेन नहीं है। पहले भी मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ, मुझे पॉजिटिव फीडबैक मेरे सब्सक्राइबर्स का मिला था। बहुत सारे लोगों ने मंगाया, खरीदा, यूज किया, उनको अच्छा लगा तो दोबारा उन्होंने मंगाया। यहाँ एक प्रॉब्लम की बात आ गई, हुआ ये कि जब मेरे सब्सक्राइबर ने इसको दोबारा मंगवाया ना, तो इसका टेक्सचर थोड़ा उनको डिफरेंट लगा। तो मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि अभी क्या हुआ, टेक्सचर क्यों डिफरेंट हो गया, पहले तो अलग था, मुझे अच्छा लगा तभी मैंने दूसरा मंगाया, लेकिन अभी टेक्सचर अलग है इसका। गाइस मैं आपको बता दूं, इसका फील एकदम वॉटरी है, एकदम पानी जैसा लगता है, और जब आप लगाते हैं स्किन के ऊपर तो एकदम मॉइस्चराइजिंग सा लगता है।
एकदम सॉफ्ट कर देता है आपकी स्किन को, हाइड्रेट करता है, नरिश करता है और बहुत अच्छा स्मूथ वाला फील आता है क्योंकि ये नेचुरल चीजों से बना है। तो नेचुरल चीजें ना हर बार एक जैसी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल गुलाब का फूल ही देख लीजिए, किसी मौसम में वो एकदम छोटा उगता है, उसकी खुशबू अलग होती है, किसी मौसम में बड़ा उगता है और खुशबूदार भी बहुत होता है, मतलब डिफरेंस होता है। ये इसका प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है तो जितने भी बैचेस में आप इसको मंगाओगे ना हर बार इसका कंसिस्टेंसी टेक्सचर थोड़ा सा अलग आपको मिलता है। सिंथेटिक स्टेबलाइजर्स का यूज नहीं होता है जो कि बहुत सारी कंपनियां करती हैं, केमिकल्स वगैरह डालती हैं और ऐसा फॉर्मूला तैयार करती है कि हर बार उनका प्रोडक्ट एक ही कंसिस्टेंसी में मिले। और इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ खादी ग्लोबल को। और मैंने ये खादी ग्लोबल के स्टोर से मंगवाया है, आपको वैसे ही अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है बट खादी ग्लोबल की वेबसाइट पे आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ उसको यूज कैसे करना है। आप अपना फेस अच्छे तरीके से धो लीजिए और उसकी कुछ बूंदे लीजिए और अच्छे से पैक करके स्किन के ऊपर लगा लीजिए और थोड़ा सा मसाज कीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। इसके बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगाइए, बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाइए, सनस्क्रीन जरूर लगाइए। इसके अंदर कैरेट सी ऑयल है, रोजहिप ऑयल है, आर्गन ऑयल है, एलोवेरा लीफ है, सोडियम है, खादी ग्लोबल का विटामिन सी सीरम, इसलिए भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। इसके अंदर कोई भी पैराबेन, सल्फेट, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस नहीं है। इसका पीएच बैलेंस आपकी स्किन की सेफ्टी के मद्देनजर बनाया हुआ है 98% नेचुरल है, 72% ऑर्गेनिक और 100% वेजिटेरियन। गाइस अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे BN सेफ 50 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी स्किन को डल से ब्राइट बनाने के लिए मैंने बहुत सारा पानी पिया है, हेल्दी डाइट को फॉलो किया है, रेगुलरली योगा और एक्सरसाइज भी मैं करती रही हूँ, इसी वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और हेल्दी अभी आपको एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैंने धूप में आना जाना थोड़ा कम और लिमिटेड ही रखा हुआ है, जितना विटामिन डी की जरूरत बॉडी को होती है उतना ही धूप में जाती हूँ। धूल धूप प्रदूषण में अगर जाती भी हूँ तो अपना चेहरा अच्छे से कवर कर लेती हूँ और सनस्क्रीन में हमेशा लगाती हूँ। ये मेरे कास्ट टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते तो आई प्रॉमिस जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है ये सेम एक्सपीरियंस आपको भी मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।